बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली आज जिस टॉपिक के हम बारे में बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर की टाइप्स कितनी है। बेसिकली जो मेन नॉर्मल टाइप्स हैं जो मैं मोस्टली यूज़ हो रही हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स कि हमने कंप्रेस्ड एयर को तीन पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। वो तीन पोर्शन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये पहली जो है ये प्लांट एयर है। फर्स्ट प्लांट एयर बेसिकली जनरल पर्पस के लिए जो एयर को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई इक्विपमेंट हो गए जैसे न्यूमेटिक टूल्स हो गए, स्प्रे हो गई, पेंट अगर हम कर रहे हैं पेंट इसमें ब्लोइंग कर रहे हैं या कहीं से ब्लो करवाना है, या इस तरीके की जनरल पर्पज़ के लिए जो हम प्लांट के अंदर, बेसिकली मैं प्लांट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो जनरल पर्पज़ के लिए हमारे पास एयर यूज़ हो रही है प्लांट में, उसको हम प्लांट एयर उसका नाम कहा जाता है। सॉरी, कंप्रेस्ड एयर जो यूज़ हो रही है उसको प्लांट एयर कहा जाता है जनरल पर्पज़ के लिए, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया सच ऐसे। और दूसरी जो बेसिकली कंप्रेस्ड एयर हम यूज़ कर रहे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट होती है कंप्रेस्ड एयर, वो है हमारे पास प्रोसेस एयर। प्रोसेस एयर यानी कि प्रोसेस में जो एयर या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आप फर्ज कर लें एक आप केमिकल का बना रहे हैं, जैसे आप पीटीए बना रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। पैराजाइलिन और एसिटिक एसिड जब आप मिलाते हैं तो ऑक्सीजन को आपको मिलाना पड़ता है उसके केमिकली रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली प्रोसेस एयर से हम इसको पूरा करते हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी जो कंप्रेस्ड एयर की टाइप आ गई वो आपके पास ये आ गई प्रोसेस एयर। और तीसरी जो आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कह लें आप मोस्टली यूज़ होती है और काफ़ी मकदार में यूज़ होती है वो है इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर, अभी इंस्ट्रूमेंट एयर कहाँ यूज़ होती है। इंस्ट्रूमेंट एयर बेसिकली जितने भी न्यूमेटिक टूल्स हैं, यानी कि आपकी आपको कोई कंट्रोल वेल्व ऑपरेट करवाना है या आपको कोई कह सकते हैं आप ऑपरेशन में के लिए यूज़ होते हैं, और मुख्तलिफ आपके पास ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं जिनको आपको कंट्रोल यानी कि इंस्ट्रूमेंट एयर के ज़रिए यूज़ करना होता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट एयर और प्लांट एयर में फ़र्क होता है। इंस्ट्रूमेंट एयर ये जो होती है जो प्लांट एयर होती है, प्लांट एयर में आपके पास मॉइस्चर थोड़ा बहुत जा रहा होता है, मॉइस्चर आपके पास जा रहा होता है तो इसमें इतनी एक्यूरेसी हमें मॉइस्चर की नहीं होती जितनी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एयर में। हमें इंस्ट्रूमेंट एयर का एक कंप्रेसर लगाते हैं, बेसिकली कंप्रेस एयर ही की टाइप है तो कंप्रेस एयर मतलब कंप्रेस किया जाता है, मगर इंस्ट्रूमेंट एयर के में जो कंप्रेसर लगाया जाता है उसके बाद फिर मुख्तलिफ इसके साथ इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो मॉइस्चर को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम जब इंस्ट्रूमेंट किसी को ऑपरेट करवा रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर से, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में मॉइस्चर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसमें फिर वेयर एंड टेयर आएगा, डैमेजेस शुरू हो जाएंगी। अगर कोई लाइन में चल रहे तो लाइन में रेजिस्टेंस, लाइन के मतलब कोरूजन लगने का खतरा होता है, क्योंकि लिक्विड कहीं ना कहीं जाके कि एक हद तक तो जाकर वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है ना, तो उसको बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट एयर जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी न्यूमेटिक वेल्व में, कंट्रोल वेल्व में, कोई भी जो भी वेल्व हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इंस्ट्रूमेंट से 4 to 20, अच्छा ये भी मैं एक बात बता दूं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट मोस्टली कंट्रोल हो रहे होते हैं 4 to 20 मिली एम्स में, सॉरी ये मिली एम्स वोल्टेज हो गए, और 3 to 15 psi हम यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल के कंट्रोल की जो बेसिकली रेंज है, ये इंस्ट्रूमेंट की एयर का जो प्रेशर होता है वो इतना होता है। तो इंस्ट्रूमेंट एयर मॉइस्चर से आलूदा होती है, बिल्कुल उसमें नमी नहीं होती। तो ये बेसिकली तीन हमारे पास कंप्रेस्ड एयर की टाइप्स थी जो मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत समझा सकूँ, हो सकता है इसमें गलतियाँ हो, उसके लिए मैं माजरत करूँ। थैंक यू।